आज के गॉर्मे क्यूजीन के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप टिक्का। ये बहुत ही प्रोटीन में भरपूर है और डायबिटीज लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो सोया चाप, जिसको आप 2 इंच पीस में काट लीजिए, 1 कप दही, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच भुना हुआ बेसन और 1 चम्मच कसूरी मेथी। सबसे पहले आप दही लीजिए, उसमें नमक, धनिया, जीरा, लाल मिर्च सब कुछ मिलाकर सोया चाप उसमें मिला दीजिए। इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मिला दीजिए और सोया चाप को फोक से थोड़ा थोड़ा पिक कर लीजिए। अब थोड़ा सा बेसन भूनिए और 2 चम्मच बेसन इसमें मिला दीजिए, साथ में थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी। इसे आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ा नींबू भी डाल दीजिए। अब 2 घंटे बाद आप पैन में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए और ये सोया चाप अलग अलग करके पैन में बिछा दीजिए। जैसे एक साइड थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसे थोड़ा सा टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद देखिए कि ये चारों तरफ से सुनहरे रंग का हो जाए। बनने के बाद इसे प्लेट में सजाइए और ऊपर चीज़ ग्रेट करके इसे सजाकर परोसिए।